धौलपुर आगामी 10 अप्रैल 2022 रामनवमी को धौलपुर शहर में भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन की रूपरेखा को लेकर आज सनी मंदिर रोड स्थित खुशी गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुकेश शर्मा द्वारा की गई और मुख्य अतिथि बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी जी रहे। बैठक आरंभ करने से पूर्व भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। बैठक में पार्षद राम कुमार शर्मा, विश्वजीत राणा, रवि जाट, भगीरथ शर्मा रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए तन मन धन से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर तैयारियों को सबके समक्ष रखा गया। राम शर्मा ने बताया कि शहर के घर घर जाकर सभी राम भक्तों को पीले चावल के साथ आमंत्रण पत्र दिया जाएगा। बैठक में प्रमोद सिंगल द्वारा ढोला में प्रसादी स्वयं के द्वारा रखने की इच्छा जाहिर की गई, जिसको सभी ने सहमति दी। बैठक में महेश रजावत, प्रखंड संयोजक नरेश कुमार बंगाली कुशवा, गौरव सचिन, विशाल दीपक, सक्षम रविंद्र आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर खुशी गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आज रामनवमी शोभा यात्रा का पोस्टर विमोचन था। आज सभी ने मिलकर रामनवमी शोभा यात्रा का पोस्टर विमोचन किया। रामनवमी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राम मंदिर गढ़पुरा पर समापन होगा, जिसका उसको लेकर आज सभी को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और 10 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा बहुत ही विशाल और बहुत ही भगवानमय रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।